यहाँ पे मैं आप लोगों को हाइड्रोलॉजी पढ़ा रहा था। तो हाइड्रोलॉजी में लेक्चर नंबर हम लोग जो है 14 देखने वाले हैं, और इस लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे थे मॉड्यूल नंबर 4 को, तो जिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाया था। अब एक और क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस कह रहा है कि अ बेसिन हैज़ 400 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया 35 किलोमीटर, जो एरिया में है वो 400 किलोमीटर स्क्वायर है, और लेंथ जो है वो 35 किलोमीटर है, और LCA जो है वो 10 किलोमीटर है। एज्यूम CT इज इक्वल टू 1.5 एंड CP इज 0.7। डेवलप ए 3H सिंथेटिक हाइड्रो यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर दिस बेसिन यूजिंग सिंडर्स मेथड। सिंडर्स मेथड का प्रयोग करते हुए इसे जो है आप लोगों को डेवलप करना है। तो चलिए करते हैं हम लोग डेवलप कि किस तरीके से यूनिट हाइड्रोग्राफ हम लोग डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग TP निकालने का फॉर्मूला होता है CT इंटू L इंटू LCA का होल पावर 0.3। TR इज इक्वल टू 3 आवर्स एंड CP इज इक्वल टू 0.7। TP विल बी कैलकुलेटेड 8.7 आवर्स आफ्टर कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग कैलकुलेटर्स। सो TP डैश इज इक्वल टू 21/22 TP प्लस TR/4। सो TP इज 8.7 एंड TR इज 3/4। सो दिस विल बी कैलकुलेटेड देन आफ्टर बी कम ऑफ 9 आवर्स, यानी यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 9 घंटा जो है हमारा आ जाएगा। TP TDSP जो है हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से अगर क्यू पीक निकालना पड़े तो क्यू पीक का फॉर्मूला होता है 2.78 इंटू CP इंटू A डिवाइडेड बाई TDSP। सो वाइल पुटिंग फॉर वैल्यूज़ ऑफ ऑल द डाटा क्यू पीक विल बी कैलकुलेटेड एज 86.5 m³/s। डिस्चार्ज पीक कितना आ जाएगा, 86.5 m³/s विल बी कम। डब्लू रो नोट जो है या डब्लू 50 मान जो है ये आपका है फॉर्मूला होता है 5.87 q^2 या फिर क्यू पीक आप कह सकते हो के पावर 1.08। सो आफ्टर पुटिंग q वैल्यूज़, डैट इज़ स्मॉल क्यूज़ इज इक्वल टू आ जाएगा पीक डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय जो हमारा एरिया दिया हुआ था वो एरिया, तो वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 30 आवर्स। ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिया है, हो सकता है कि इससे कम भी आपका वैल्यू आए। ओके, W75 इज इक्वल टू W50/1.75। सो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 17 आवर्स। कितना आ जाएगा, 17 घंटा। TV इज इक्वल टू 72 + 3 × TDSP, तो 72 + 3 × 8.7। तो यहाँ पे जब TDSP 8.7 पुट करेंगे तो आ जाएगा 99 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली। ये यहाँ पे आप लिख सकते हो अप्रॉक्स, क्या लिख सकते हो अप्रॉक्स, यहाँ पे जो है आ जाएगा। TV
टी स्मॉल बी इज इक्वल टू वैल्यू आएगा, मतलब फॉर्मूला होता है 5 इंटू टी डैश पी प्लस टी आर बाई 2 इज इक्वल टू 52 आवर्स। ये भी हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे टी डैश पी का वैल्यू जो है वो 8.7 यूज़ करेंगे, टी आर जो है ये हमारा 3 आवर्स दिया हुआ था, तो इन सभी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और उसको ऐड करेंगे और उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 52 आवर्स के आसपास आएगा, है ना, या तो 51 पॉइंट समथिंग या फिर 52.9 या 5 के आसपास आएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिया है, ओके, आप कैलकुलेट करना। कुछ लोगों का हो सकता है, जैसे क्या करते हैं ना, देखो कई सारे लोगों का वैल्यू कम आएगा, जिनका वैल्यू कम आएगा वो डायरेक्टली 8.7 लेंगे, या फिर हो सकता है कि 8.699 ले, है ना। लेकिन अगर जिनका 52 पॉइंट समथिंग आएगा तो वो क्या लेंगे, 8.712593 95, इस तरीके से टू पूरा वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे इस तरीके से। तो मतलब थोड़ा सा भी देखो डिजिट बढ़ता है ना, और उसमें जो मल्टीप्लाई होने वाली रहती है तो उसमें थोड़ा डिफरेंसेस आ जाता है, और ये डिफरेंसेस जो है खासकर आप लोगों को उस कंडीशन में देखने को मिलेगा जब आप आरसीसी का प्रॉब्लम अपना करेंगे। जब आरसीसी का प्रॉब्लम आप करेंगे ना, तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा आपको क्रिएट होते हैं। सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ, सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ मान लो कि एक वैसा एरिया दिया गया है जो कि नोन है और एक वैसा एरिया दिया गया है जो कि अननोन है। तो उस कंडीशन में जो सिंडर मेथड्स हैं उन्होंने 1938 में यह फॉर्मूला दिया था, और इसके अंतर्गत तीन तरीके का आता है, बेसिन लैग, पीक डिस्चार्ज और बेसिन बेस टाइम। इसमें क्या होता है कि एक्स वाई डायरेक्शन में मान लो कि हमारा एक ग्राफ ड्रॉ करें, क्योंकि हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में टाइम को इंडिकेट किया जा रहा है जो कि इंटरवल दिया गया है टी स्मॉल बी, और एक वाई डायरेक्शन में दिया गया है जिसकी इंडिकेट कर रहा है डिस्चार्ज को, किसको इंडिकेट कर रहा है, डिस्चार्ज को इंडिकेट कर रहा है, ओके। तो यहाँ से एक ग्राफ बनाएंगे तो लाइक इस तरीके का हमारा एक ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे जो पीक पॉइंट होगा, है ना, ये जो पीक पॉइंट होगा, पीक पॉइंट से नीचे की ओर ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा क्या होगा, क्यू पी, एंड जो विड्थ होगा थोड़ा पीक पे वो विड्थ होगा W75, और जो बीच में होगा वो होगा W50, मतलब मिडिल में, नहीं ज़्यादा नहीं कम। और जो पीक है ना, जो पीक डिस्चार्ज है वहाँ से जो हमारा सेंटर डिस्टेंस है, एक ऑब्जेक्ट सेटअप करेंगे उससे, तो वो हमारा टी पी होगा, और टी आर जो है वो हमारा टाइम होगा जाएगा, ओके। तो बेसिंग जो लैग है जो कि टी पी से इंडिकेट किया जा रहा है, तो टी पी इज इक्वल टू सी टी इंटू एल इंटू एल सी ए के पावर होल पावर 0.5, सो एंड टी आर इज इक्वल टू टी नोट बाई 5.5। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग जो है वैल्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट। जो टी आर है वो ड्यूरेशन है स्टैंडर्ड रेनफॉल का, एल जो है बेसिन लेंथ है जो कि मेजर्ड किया गया है अलोंग द वाटर कोर्स फ्रॉम द बेसिन डिवाइड टू द गेजिंग स्टेशन किलो इन किलोमीटर, एल सी ए जो है डिस्टेंस अलोंग मेन वाटर कोर्स फ्रॉम द गेजिंग स्टेशन टू द
पॉइंट अपोजिट टू द वाटर शेड सेंट्रॉयड जो कि किलोमीटर में दिया हुआ है. सो टी डैश पी जो कि मॉडिफाइड बेसिन लैग है उसका फॉर्मूला होगा टी पी प्लस टी टी कैपिटल आर माइनस टी स्मॉल आर बाई फोर. सो टी डैश पी इज इक्वल टू 21 बाई 22 टी पी प्लस टी कैपिटल आर बाई फोर एंड टी पी इज इक्वल टू टी डैश पी प्लस टी आर बाई टू. तो दिस विल बी द वैल्यूज या फिर कह सकते हैं फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया. पिक डिस्चार्ज, पिक डिस्चार्ज क्यू पी इज इक्वल टू 2.75 सी पी इंटू ए बाई टी पी एंड डब्ल्यू 50 इज इक्वल टू 5.87 बाई क्यू के पावर 1.08. सी पी एंड सी टी जो है रीजनल कांस्टेंट है ना, क्या है रीजनल कांस्टेंट है. और क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल क्यू या क्यू पीक है ना, क्यू पीक डिवाइडेड बाय एरिया एंड डब्ल्यू 70 इज इक्वल टू डब्ल्यू 50 बाय 1.75 एंड बेसिन बेस टाइम जो कि टी कैपिटल बी से इंडिकेट किया जाता है. तो टी कैपिटल बी इज इक्वल टू 3 प्लस टी डैश पी बाय 8 जो कि लार्ज कैचमेंट एरिया के लिए जो है हम लोग लेकर चलते हैं. और टी डैश पी का जो मेजरमेंट यूनिट होता है या रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो हमारा डेज में किया जाता है. एंड टी कैपिटल बी इज इक्वल टू फाइनली वी गॉट द फॉर्मूला 72 प्लस 3 टी डैश पी जो कि आवर्स में अगर कैलकुलेट करेंगे तो है ना, अगर डे में कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और अगर आवर में कैलकुलेट रहेगा तो नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे है ना. या फिर आवर में कैलकुलेट करने के लिए एक और फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं टी बी का 5 इंटू टी डैश पी प्लस टी आर बाई टू, ये भी फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं. इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है. तो शुरू में जो हमारा डिस्चार्ज जो बनेगा है ना, जो डिस्चार्ज बनेगा वो ये बनेगा, फिर धीरे धीरे घटेगा. यानी क्या होता है कि अचानक कितना डिस्चार्ज हुआ वही हमारा इंस्टेंटेनियस, मतलब एक इंस्टेंट पे, मतलब एक क्षण में क्या जो है यूनिट हाइड्रोग्राफ डेवलप हुआ उसी को जो है बताया जा रहा है. ओके, तो जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यूनिट का मतलब क्या है, एक है ना, हो सकता है लेंथ ब्रेथ सभी एक हमारा हो. तो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इट इज़ अ फिक्टिशियस कॉन्सेप्चुअल यूनिट हाइड्रोग्राफ which represent the surface runoff from catchment due to instantaneous precipitation of rainfall excess volume of 1 cm. हमने जैसा कि यहाँ पे बोला है instantaneous का मतलब एक instant पे जब precipitation हुआ, rainfall हुआ, तो 1 cm उसके excess हो उसका volume का, उस पर जो conceptual representations है हमारा उसी को क्या कहते हैं सरफेस रन ऑफ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है कैचमेंट एरिया में वो कॉन्सेप्चुअल यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है, जो कि इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ हम लोग कहते हैं. आई होप कि हमारी आज की सेशंस आपको पसंद आई हो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके. मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.